हेलो स्टूडेंट्स, खूब पढ़ो। आज हम सीखेंगे चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन। तो आइए, स्वागत है आपका, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज एक्स प्लस वन फैक्टर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पॉलिनोमियल्स देके रखे हैं और इन में से हमें डिटरमाइन करना है कि एक्स प्लस वन किस किस का फैक्टर है। देखिए फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे यदि हमसे ऐसा कह दे कि डिटरमाइन करो कि 2 8 का फैक्टर है कि नहीं, डिटरमाइन 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस 2 के टेबल पर 8 आना चाहिए। या फिर हम ऐसा कह दें कि यदि 8 को 2 से डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद यदि रिमाइंडर में 0 आएगा तो कह सकते हैं कि 2 8 का फैक्टर है। या तो 2 के टेबल में 8 आए या फिर 8 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए। ध्यान देना, रिमाइंडर ही फाइंड करना रहता है। आप चेक करके देखो, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। अब यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो 2 8 का फैक्टर है, कंफर्म हो गया। या फिर यदि ऐसा कहता कि डिटरमाइन 3 इज अ फैक्टर ऑफ 8, मतलब हमें बताना है कि 3 8 का फैक्टर है कि नहीं, तो इसके लिए 8 को 3 से डिवाइड करें। 8 में यदि 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 3 2 जा 6 आएगा, माइनस करेंगे तो 2 आएगा। देखिए रिमाइंडर में 0 नहीं आया, यदि रिमाइंडर में 0 आएगा तो फैक्टर कहलाएगा, और यदि 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कोई सा भी नंबर आएगा तो फिर इधर का यह नंबर इस नंबर का फैक्टर नहीं कहलाएगा। जैसा हम यहां पर नंबर्स का चेक करते हैं फैक्टर के लिए, ठीक इसी तरह से यहां पॉलिनोमियल्स में भी चेक करना है कि इस फर्स्ट के लिए x प्लस वन फैक्टर है कि नहीं। तो इस पॉलिनोमियल को x प्लस वन से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर फाइंड करेंगे। यदि रिमाइंडर 0 आएगा तो x प्लस वन इसका फैक्टर कहलाएगा, और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो नहीं कहलाएगा। इसी तरह से सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए। तो देखिए रिमाइंडर फाइंड करने के लिए 2 तरीके, एक तो इस तरह से लॉन्ग डिवीजन का यूज करें, यहां पॉलिनोमियल्स लिखें इस फर्स्ट वाले को और इधर लिखें x प्लस 1 और फिर इससे डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद लास्ट में रिमाइंडर फाइंड करें। यदि 0 आएगा तो यह x प्लस 1 इधर वाले पॉलिनोमियल्स का फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसा हमने 2.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड किया था, तो उस तरह से यहां पर डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड करें, जिस जिसका रिमाइंडर 0 होगा तो x प्लस 1 उसका फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। तो आइए एक एक करके सॉल्व करके देखते हैं। देखिए हमें सबसे पहले रिमाइंडर फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या कीजिए कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका नाम रखिए। लिखेंगे लेट पी एक्स इक्वल टू, फर्स्ट पॉलिनोमियल है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और जिसको हमें चेक करना है कि वह फैक्टर है कि नहीं, तो इससे जीरोस निकालेंगे। लिखेंगे इधर पुट एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। देखिए इससे जीरो फाइंड करना है, तो एक्स की वैल्यू आएगी, प्लस वन का उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस वन आएगा। अब इस एक्स की वैल्यू माइनस वन को जहां जहां पर एक्स है उसकी जगह पुट करेंगे तो फाइंड होगा, लिखेंगे देन पी ऑफ माइनस वन। ध्यान दीजिएगा एक्स की जगह माइनस वन रखा है, तो पी एक्स लिखा हुआ था, यहाँ पी ऑफ माइनस वन आएगा इक्वल टू के बाद। देखिए एक्स क्यूब लिखा है तो माइनस वन क्यूब आएगा, प्लस फिर एक्स स्क्वायर लिखा है तो माइनस वन स्क्वायर आएगा, फिर प्लस एक्स लिखा है तो प्लस एक्स की जगह माइनस वन आएगा, प्लस वन एज इट ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, देखिए माइनस वन का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन आएगा, प्लस माइनस वन का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वन आएगा, फिर देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस आएगा और वन आएगा, यहाँ पर प्लस वन। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, देखिए माइनस वन प्लस वन दोनों सेम है, साइन अलग अलग है, माइनस हो जाएंगे तो जीरो बचेगा। इधर माइनस वन और प्लस वन ये भी माइनस हो जाएंगे, सेम है, साइन अलग अलग है तो जीरो आएगा, मतलब यहाँ पर टोटल मिलेगा हमें जीरो। हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर जीरो फाइंड हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स प्लस वन इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। तो लास्ट में लिखेंगे आंसर में, हेंस एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यह अपना
आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड थर्ड फोर्थ करेंगे। आइए सेकेंड करके देखते हैं। देखिए सेकेंड के सॉल्यूशन में भी सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल का नाम रखेंगे px, लिखेंगे लेट px इक्वल्स टू x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और जिसको हमें चेक करना है कि फैक्टर है कि नहीं तो उससे जीरो निकालेंगे। जीरो निकालने के लिए लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल्स टू आएगा -1। अब इस -1 को x की जगह रखेंगे गिवन पॉलिनोमियल में तो रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। लिखेंगे यहां पर देन p ऑफ -1, देखिए px लिखा हुआ था तो px x मतलब -1, इधर आएगा -1 की पावर 4 प्लस, फिर देखिए x क्यूब है तो -1 की पावर 3 प्लस, x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर प्लस x है तो -1, प्लस के बाद 1 है तो 1 आ जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई कर दें, देखिए -1 की पावर 4 मतलब -1 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। एक बात याद रखेंगे -1 में यदि ऑड पावर होगी तो इसका आंसर -1 आएगा, और यदि -1 में इवन पावर होगी तो इसका आंसर प्लस का 1 आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर -1 में पावर 4 है, इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। फिर आप देख रहे हैं प्लस, फिर यहाँ पर -1 की पावर लिखा हुआ है 3 मतलब ऑड, तो इसका वैल्यू -1 आएगा। प्लस -1 इवन पावर है तो प्लस 1 आएगा। इधर देखिए पावर नहीं लगी हुई है तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस और 1 और फिर प्लस 1 आएगा। इस ब्रैकेट को भी हटा दें, फिर बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इधर 1, देखिए प्लस माइनस माइनस और 1, फिर प्लस 1 है, फिर माइनस 1 है, फिर प्लस 1। अब इसको सिंपलीफाई कर दें, आप देख रहे हैं 1 और माइनस 1, 1 में 1 जाएगा तो 0 बचेगा, मतलब दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर आप देखिए प्लस 1 माइनस 1, ये भी एक जैसे हैं, साइन अलग अलग है तो 0 बचेगा। फिर हमारे पास केवल बच रहा है 1 प्लस का। तो हम देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल को यदि हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, 0 नहीं आया, तो फिर x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। लिखेंगे लास्ट में आंसर में, हेंस x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यह आंसर हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड एंड फोर्थ करेंगे। आइए थर्ड करके देखते हैं। देखिए थर्ड के सॉल्यूशन में भी सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल का नाम रख देंगे px, लिखेंगे लेट px इक्वल्स टू x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसके बाद x प्लस 1 में से 0 निकालेंगे। लिखेंगे यहां पर पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इससे x की वैल्यू निकालने तो x की वैल्यू आएगी प्लस 1, उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस 1। अब इस माइनस 1 को x के प्लेस में रखना है, फाइंड होगा, लिखेंगे देन p ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू, देखिए x टू द पावर 4 लिखा है तो माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस 3, फिर x क्यूब है तो माइनस 1 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो 3x मतलब माइनस 1 स्क्वायर, प्लस के बाद x है एंड प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करके रिमाइंडर फाइंड कर लें। देखिए माइनस 1 में पावर 4, 4 मतलब इवन, इवन मतलब माइनस 1, प्लस में आएगा तो प्लस 1 आएगा, फिर प्लस के बाद 3 लिखा है। इधर देखिए माइनस 1 की पावर 3 लिखा है, 3 मतलब ऑड, तो माइनस 1 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड है तो माइनस 1 आएगा, प्लस के बाद 3, फिर माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 है, इवन नंबर है तो प्लस का 1 ही आएगा। यहाँ पर कोई सी पावर नहीं लिखी हुई है तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे, प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा एंड 1 आ जाएगा, प्लस के बाद 1। अभी ये दो ब्रैकेट बचे हैं, इनको भी हटा दें। इधर 1 है, लिख दें इसको, प्लस 3 का माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो पहले साइन का मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस, 3 1 जा 3, फिर प्लस एंड 1 भी प्लस का है तो प्लस ही आएगा, 3 आएगा, फिर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। अब आप इसको सिंपलीफाई कीजिए, देखिए 1 प्लस का है, ढूंढिए आप इसमें 1 क्या माइनस का है, कहीं पर ये देखिए 1 माइनस का है, तो इस 1 में इस 1 को माइनस कर दें तो 0 आएगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा, काट देंगे इसको। इसी तरह से 3 एंड 3, देखिए दोनों एक जैसे हैं, साइन अलग अलग है, ये भी माइनस हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेंगे, 0 आएगा, केवल हमारे पास बचेगा प्लस 1, तो लिखेंगे इधर 1। अब आप देख रहे हैं इसमें भी रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया, 1 आया है, तो x प्लस 1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। लास्ट में लिखेंगे आंसर, हेंस x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए फोर्थ करके देखते हैं। देखिए फोर्थ के सॉल्यूशन में भी सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल का नाम रखेंगे लेट px इक्वल्स टू x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई में x प्लस रूट 2। अब x प्लस 1 में से 0 निकालेंगे, लिखेंगे पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब यहां से x की वैल्यू आएगी -1। अब
इस x की वैल्यू को जहां जहां x है गिवन पॉलिनोमियल में रखें तो मिलेगा, लिखेंगे देन p ऑफ माइनस वन। देखिये x क्यूब है तो माइनस वन क्यूब आएगा, माइनस x स्क्वायर है तो माइनस वन में होल स्क्वायर, माइनस के बाद टू प्लस रूट टू लिखा है, और फिर x है तो x की जगह आएगा माइनस वन, फिर प्लस रूट टू है, आएगा इधर प्लस रूट टू। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, देखिए यहाँ पर माइनस वन क्यूब, माइनस वन में पावर ऑड है तो हमें मालूम है कि यहाँ पर माइनस वन ही आएगा, फिर माइनस लिखा है, फिर माइनस वन का होल स्क्वायर है मतलब पावर इवन है तो प्लस का वन आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देखिए माइनस में ब्रेकेट में ये लिखा है फिर माइनस में वन लिखा है, तो पहले इस माइनस का इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये वन का ब्रेकेट हट जाएगा और वन का अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस एंड इस माइनस का मल्टीप्लाई आएगा प्लस, और फिर इस वन का अंदर मल्टीप्लाई होगा, ब्रेकेट हट जाएगा, यहाँ पर आएगा टू, फिर इधर आएगा प्लस में रूट टू, और फिर इधर आएगा प्लस में रूट टू, ये जो बचा हुआ था रूट टू वो लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, देखिए माइनस वन और माइनस वन दोनों एक जैसे हैं, माइनस माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, माइनस टू आएगा, फिर प्लस टू है तो यहाँ पर प्लस में टू आएगा, देखिए यहाँ पर अंडर रूट टू लिखा हुआ है तो यह बन जाएगा टू रूट टू, एक रूट टू ये दूसरा रूट टू ये दोनों ऐड होंगे तो टू रूट टू आ जाएगा। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें, आप देखिए माइनस टू एंड प्लस टू दोनों एक जैसे, साइन अलग अलग है, माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पर ये जीरो आएगा, काट दें इनको, कैंसिल कर दें, अब ये टू रूट टू किसी से नहीं कट रहा है मतलब ये इसी तरह से आएगा, तो लास्ट में हमें मिल रहा है टू अंडर रूट टू। क्या हमें रिमाइंडर जीरो मिला, हम देख रहे हैं नहीं मिला, यदि रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो एक्स प्लस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं कहलाएगा, लास्ट में लिखेंगे आंसर में, हेंस x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस अंडर रूट टू एक्स प्लस अंडर रूट टू, यह आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा।